नॉर्मली आवाज में। मैं जगदूत न्यूज खगड़िया से अरुण कुमार, सर आपका नाम? मेरा नाम नवल किशोर कुमार है और मैं राष्ट्रीय स्वच्छाग्रही संघ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। सुना हूँ कि आप तेजस्वी यादव से मिलने पटना जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने बिहार के 27,765 स्वच्छाग्रही साथियों के हित को देखते हुए तेजस्वी यादव जी से क्या कहते हैं 23 तारीख को मिलने के लिए पटना जा रहे हैं। चूँकि यह वर्तमान सरकार हमारे बिहार के सभी स्वच्छाग्रही साथियों के साथ में शोषण की नीति अपनाई हुई है, कार्य करवा रही है, लेकिन ना तो ये मानदेय दे रही है ना प्रोत्साहन राशि ही, जबकि दिन रात एक कर करके हमारे जो स्वच्छाग्रही साथी हैं वो पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का कार्य भी किए हैं और कर ही रहे हैं। आज फिलहाल जियो टैगिंग का कार्य उनके द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन जियो टैगिंग का कार्य करने के बावजूद भी उनको जियो टैगिंग का जो 5 रुपया मिलता है सरकार के तरफ से वो भी राशि नहीं दिया जा रहा है। और कमोबेश हमारे जो स्वच्छाग्रही साथी हैं वो सब कम से कम आज ढाई तीन साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड प्रशासन की उदासीनता व जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से आज वो भुखमरी की स्थिति में आ गई है। इसलिए मजबूरन हम लोग पूरे बिहार के हमारे जिला अध्यक्ष साथियों के साथ में तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी से मिलने के लिए पटना हम जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि सभी स्वच्छाग्रहियों को कार्य अनुसार समय पर मोन दे रहे हैं। बिहार में कुल कितने स्वच्छाग्रही हैं? देखिए, सरकार तो कुछ भी कह रही है कि हम सभी स्वच्छाग्रहियों को मानदेय या प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, लेकिन सरकार को धरातल पर आकर के देखना होगा कि वाकई में हम जो उनके लिए एलोकेट किए हुए हैं कि 5 रुपया जियो टैगिंग के लिए और भोजन आवासन के लिए 200 रुपया प्रतिदिन देना है और साथ ही साथ प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर जो 150 रुपया देना है वो एकदम धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। स्वच्छाग्रहियों का सिर्फ शोषण किया जा रहा है, वो 200 रुपया भोजन आवासन की जो राशि है वो नहीं दिया जा रहा है, कहीं दिया जा रहा है तो 150 रुपया वाला जो है प्रति शौचालय वो नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की तो नीति है, सरकार को कहने का क्या है, वो तो ऐसे ही बोलती ही रहती है, धरातल पर लागू नहीं है। सर, बिहार में कुल कितने स्वच्छाग्रही हैं? बिहार में कमोबेश हम तो आपको पहले भी बताए हैं कि 27,765 स्वच्छाग्रही हैं जो कि कार्यरत हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूं कि हमारे देश में कुल मिला करके 5,74,000 स्वच्छाग्रही साथी हैं और पूरे देश में आज स्वच्छाग्रहियों के साथ में यह शोषण की नीति अपनाई जा रही है वर्तमान राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा। 3 फरवरी को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, उनसे भी मिलना है क्या? बिल्कुल, 3 फरवरी को राहुल गांधी जी का प्रोग्राम सुने हैं कि गांधी मैदान में पटना में हो रहा है, जिसमें वो जन आकांक्षा रैली करके वो उनका प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन उनके पार्टी के द्वारा हमें एक आमंत्रण मिला हुआ है कि आप की अगर वर्तमान सरकार नहीं सुन रही है तो आप आइए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी आपके पूरे 5,74,000 स्वच्छाग्रहियों के हित में सोचने के लिए तैयार है, उनके लिए कार्य करेंगे। इसलिए उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार राष्ट्रीय स्वच्छाग्रही संघ 3 फरवरी को जो प्रोग्राम होना है उसमें मैं भाग लूँगा। जी सर, बहुत बहुत